अर्ली एज में लोग देखते हैं दूसरों को स्मोकिंग करते हुए या एल्कोहल लेते हुए, तो उससे अट्रैक्ट होते हैं लोग। क्या ये डायबिटीज क्या आनुवंशिक है? बिल्कुल बिल्कुल। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या है? ओवर थिंकिंग, उससे कैसे बचे? बहुत सारा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। सलाह देते हैं कि चलो आज पेट खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सच में जब सुबह उठते हैं तो लगता है हाँ बहुत अच्छा, मतलब ये कैसे हुआ? प्रॉब्लम अगले दिन आपको फिर से मिलने वाली है। रिवर्स एज के बारे में जी, ये मतलब ये क्या चीज है, कैसे काम करता है? इन चीजों का कोई प्रूवन रोल नहीं है। हेलो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, पता है क्यों? हेल्थ से जुड़े बहुत से ऐसे इश्यूज हैं और बहुत से मिथ हैं जो आज ब्रेक होंगे, और जानेंगे कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखें, डायबिटीज से कैसे बचें, डिप्रेशन एंजाइटी से कैसे बचें, ये सारी चीजें जानेंगे डॉक्टर अशोक मिश्रा जी के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो हमारा पहला सवाल हम अब शुरू करते हैं, आपने पढ़ाई अपनी शुरू किस कॉलेज से की थी, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मैंने अपने MBBS की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया था, वो मैंने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया। पढ़ाई आपकी कैसे थी, मतलब आप पढ़ने वगैरह में मतलब कैसे थे? पढ़ाई के मामले में ठीक था मैं शुरू से ही, मीन्स घर में जो हमारे और भाई थे, दो बड़े भाई थे और मैं तीसरे नंबर पे था, और एक छोटा भाई हमारा और था, तो घर में पढ़ने में मैं ठीक था। अच्छा। सभी लोग तारीफ करते थे, नंबर भी ठीक आते थे। अच्छा। तो शुरू से ही ठीक था मैं पढ़ाई में। तो आपने मेडिकल डिपार्टमेंट ही क्यों चुना, आपने मेडिकल से का ही क्यों चुना आपने? नहीं, इसके पीछे ये है कि मैं एक्चुअली शुरू से, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो इस फील्ड में नहीं था। मैं सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा विचार हुआ करता था शुरू से, लेकिन हमारे बड़े भाई की बहुत इच्छा थी, वो चाहते थे कि घर में एक कोई डॉक्टर होना चाहिए। वो हालांकि सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे, तो वो PCS एलाइड में हैं इस समय, और वो चाहते थे कि उनका भाई एक डॉक्टर बने, तो मुझे उन्होंने इसके लिए बोला। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, और मैंने फिर उसके लिए प्रिपेयर किया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और बन गया डॉक्टर। ओके। तो कॉलेज के दिनों का कुछ आप स्टोरी बताइए जो एकदम रोचक हो, अभी तक वो माइंड में याद हो कि हाँ यार ये बहुत स्पेशल था हमारे लिए। एक्चुअली कॉलेज का दिन जो हम लोगों का होता है, जो MBBS हम लोग करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे। और इतने टाइम में बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं वो होती रहती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। खासकर अभी तो खैर रैगिंग वगैरह बहुत कम है या ना के बराबर है, पहले हम लोगों की रैगिंग हुआ करती थी। तो रैगिंग मीन्स वो जो रैगिंग का एक रूप लोगों के दिमाग में है कि मारपीट होती है, तो ये बहुत ही कम मीन्स केसेस में होता था। ज़्यादातर सीनियर मीन्स जो आपसे बात करते थे या आपकी रैगिंग करते थे, वो बहुत सपोर्ट भी करते थे। तो उसी समय का मुझे याद आता है जब मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मीन्स की शुरुआत हुई थी, तो मैं कॉलेज के अंदर घुसा, और इत्तेफाक से उस समय कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई थी, शुरू होने से पहले ही छुट्टियां हो गई थी। तो उस दिन मीन्स और स्टूडेंट नहीं आए हुए थे, मैं अकेला ही निकला अपने ड्रेस में, वाइट पैंट वाइट शर्ट और एप्रन पहन के, एप्रन घुटने के नीचे तक होता था। तो मैं निकला तो मैं देख रहा हूँ कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, और आराम से जैसे मैं मीन्स पहले बाहर चलता था तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन जो भी आ रहा है वो मुझे घूरे जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग घूर क्यों रहे हैं, और मैं सिर उठाए हुए आराम से चला जा रहा था। गया फिर जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ पता चला कि छुट्टी अभी हो गई है, तो अगले कुछ दिनों बाद आपको कॉलेज आना होगा। फिर मैं वापस आया, फिर मैं वैसे ही चला जा रहा था आराम से, सब फिर मुझे घूर रहे थे। तो वो मुझे अजीब सा लग रहा था कि लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। तो जब मैं वापस आया छुट्टियों के बाद, तो मैंने जब कॉलेज का माहौल देखा, तो उस समय लोगों ने बताया कि भाई आप इस तरह से चल रहे थे आराम से, आपको सिर नीचे करके चलना चाहिए था, और जो सीनियर्स हैं उनको नमस्कार करते हुए चलने चाहिए था। तो वो पहला दिन जो नीचे वो पहला दिन था जो कि अभी भी मेरे दिमाग में रहता है कि मैं कितना बेखौफ होकर अंदर गया था और फिर वापस लौट आया। जनरल फिजिशियन डॉक्टर का क्या रोल होता है हॉस्पिटल में? जनरल फिजिशियन मीन्स एक ऐसी यूनिट होती है एक हॉस्पिटल की
जो कि मींस इनिशियल मैनेजमेंट तो उसके पास ही आता है, जो भी कोई पेशेंट आता है तो उसी को इनिशियली ट्रीट करना होता है, वो पेशेंट की क्या कंडीशन है उसका असेसमेंट उसको करना होता है और उसको प्रॉपर मींस इनिशियल जो ट्रीटमेंट होता है उसी को स्टार्ट करना होता है। अब अगर आगे पेशेंट की कोई ऐसी दिक्कत निकलती है जो कि भी किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है तो अलग बात होती है, बाकी जो रोजमर्रे की बीमारियां होती हैं उसको जनरल फिजिशियन ही ट्रीट करता है। तो हॉस्पिटल की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है जो मरीजों को ट्रीट करने की या उनको फॉलो करने की, या मींस कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ रहा है कि जो कि मींस डॉक्टर्स किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, उसको भी जनरल फिजिशियन ही ट्रीट करता है। ओके, तो क्या ये कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटल का जो प्रमुख मुख्य डॉक्टर होता है वो जनरल फिजिशियन को क्या कह सकते हैं कि प्रथम डॉक्टर जो है हमारा? हाँ, प्रथम कह सकते हैं मुख्य डॉक्टर, तो मींस बीमारी पे डिपेंड करता है पेशेंट के। अच्छा। कि वो किस तरह की बीमारी से ग्रसित है उस पे ही डिपेंड करता है और उसके हिसाब से ही मुख्य डॉक्टर डिसाइड होता है, लेकिन साथ में जनरल फिजिशियन की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है हमेशा। ओके, तो मतलब हॉस्पिटल में मतलब कि खासकर किस टाइप के पेशेंट्स मरीज ज्यादा आते हैं, संख्या उनकी सबसे ज्यादा होती है किस टाइप की? संख्या मीन्स कुछ जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनके पेशेंट तो कभी भी किसी भी सीजन में आ सकते हैं, लेकिन जो सीजनल बीमारियां होती हैं उसमें जैसे अभी इस टाइम पे अभी कुछ समय पहले से मलेरिया, डेंगू या इस तरह के बुखार के पेशेंट काफी मीन्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और जिससे मीन्स इस समय हॉस्पिटल्स का बर्डन भी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे पेशेंट हैं। तो डिपेंड करता है, अब जैसे ठंड का सीजन आता है उसमें सांस के मरीज काफी बढ़ जाते हैं तो, और ठंड के सीजन में स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के जो केसेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब तो किसी भी सीजन में आ सकते हैं पेशेंट, लेकिन जो सीजनल बीमारियां होती हैं उसके पेशेंट किसी पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने हार्ट के बारे में बात की, अभी हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब हम अक्सर न्यूज़ में सोशल मीडिया में देख रहे हैं आजकल, मतलब आदमी चल रहा है या बैठा है फोन चला रहा है या जिम में है, देखते हैं हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है, मतलब इसका क्या कारण है, इसका एक्चुअल कारण क्या है, इसका क्यों हो रहा है ऐसा? कि हार्ट की बीमारियां ऐसा नहीं है कि अभी नई हैं, हार्ट की बीमारियां पहले भी होती रही हैं और इस समय भी हो रही हैं, लेकिन इनके इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, मीन्स जो लोगों में अर्ली एज में हार्ट की बीमारियाँ होने लगी हैं वो अब ज़्यादा कॉमन है। और इवन की जैसे पहले ये सब बीमारियां सोचा जाता था कि लोग सोचते थे कि ये शहरों की बीमारियां हैं, लेकिन अब अक्सर देखने में आता है कि गांव के पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं। तो कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं और मींस लाइफस्टाइल रिलेटेड कारण काफ़ी ज़्यादा हैं, जो आज की डेट में लोगों की दिनचर्या है वो बहुत गड़बड़ है, लोगों का प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं लोग, देर से सोना, देर तक सोते रहना, खाने में भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिनका शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग, तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट शरीर पे पड़ता ही है और खासकर हार्ट पे इनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने अभी कहा कि प्रॉपर जो है अपना हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हैं या सिगरेट वगैरह अल्कोहल वगैरह ज़्यादा जी कर रहे हैं, तो मतलब इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कुछ और, मतलब डीपली थोड़ा सा। इस लोगों को जैसे एक जागरूकता की भी कमी है कुछ, जैसे मींस अर्ली एज में लोग देखते हैं दूसरों को स्मोकिंग करते हुए या अल्कोहल लेते हुए तो उससे अट्रैक्ट होते हैं लोग। दूसरी चीज ये है कि जब आप इस तरह की चीजें लेते हैं तो आपका खान पान भी ऑयली बहुत खाना लेते हैं लोग, नॉन वेज की तरफ भी ज्यादा झुकाव रहता है, जबकि इसकी वजह से हार्ट पे असर पड़ता है। और जो खासकर देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो लोग नॉनवेज कम खाते हैं या लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं, तो उनको उनको जो कोलेस्ट्रॉल या उससे रिलेटेड दिक्कतें होती हैं वो कम होती हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। अगर आप इसको कम रखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर टाइम से सोना होता है, टाइम से उठना होता है, रोज कम से कम आधे घंटे 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी होती है। तो इन चीज़ों का अगर आदमी ध्यान रखे तो आप बिल्कुल इन बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, हम अभी डायबिटीज पे आते हैं। डायबिटीज क्या है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में बताइए कुछ मरीजों को।
देखिए डायबिटीज जो बीमारी है ये ग्लूकोज से रिलेटेड बीमारी है। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उसका एक लेवल होता है और वो लेवल मेंटेन बॉडी करती रहती है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन निकलता है और जो खाने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये चीज जैसे एक होता है कि बराबर से एक लेवल ग्लूकोज का मेंटेन रहता है, फिर जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन निकल के फिर उसके लेवल को कंट्रोल करता है। और यही चीज जो शुगर के पेशेंट होते हैं या डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें यही चीज डिरेंज हो जाती है। और भी कारण होते हैं साथ में, मीन्स जैसे शरीर में अगर वसा की मात्रा ज्यादा है, फैट की मात्रा ज्यादा है, तो उससे भी जो है जो इंसुलिन होती है बॉडी के अंदर वो काम नहीं करती है, तो उससे भी जो है जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड का होता है, वो बढ़ा रहता है। तो जैसे खाने के बाद ये देखा जाता है 1.5 से 2 घंटे के बाद शुगर लेवल नॉर्मल आ जाती है, लेकिन जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उसमें वो लेवल बढ़ा रहता है, क्योंकि या तो जो है इंसुलिन काम नहीं कर पाती है या इंसुलिन कम निकलती है, इसी वजह से ये बीमारी होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो मीन्स देखा जाता है ज्यादातर यंगर एज ग्रुप में होती है, और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो ओल्डर एज ग्रुप में होती है। टाइप 1 मीन्स जो पेशेंट होते हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो ज्यादातर वो दुबले पतले होते हैं। टाइप 2 के पेशेंट जो होते हैं वो भी, उनका भी वेट कम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो मीन्स उनका वेट ज्यादा होता है। जो टाइप 1 पेशेंट होते हैं उनमें हम जो डायबिटीज की मेडिसिन होती है, ओरल मेडिकेशन, ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन जिनको बोलते हैं, वो इफेक्टिव नहीं होती है। उनमें हमें इंसुलिन से ही उनका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना होता है। और बाकी जो टाइप 2 होती है उसमें हम मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, ओरल मेडिसिन, और इंसुलिन भी यूज कर सकते हैं। क्या ये डायबिटीज क्या आनुवंशिक है, क्या मतलब कि अगर जैसे हमारे माता पिता को, दादाजी को हुआ था, क्या वो पीढ़ी वाइज हमें भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, या और भी कारण ऐसे होते हैं। तो अगर माँ बाप को है तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगली पीढ़ियों को भी डायबिटीज हो। डायबिटीज के साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने उसको? डायबिटीज मीन्स जो शुरुआती लक्षण जो देखने को मिलता है जब किसी के ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ज्यादातर मरीजों में मिलते हैं। अब उसमें जैसे अत्यधिक प्यास का लगना, मीन्स जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मीन्स थोड़ी थोड़ी देर पे उसको पानी चाहिए होता है। अत्यधिक यूरिन का होना, पेशाब बहुत ज्यादा होती है ऐसे मरीजों को। अच्छा, मीन्स ये शुरुआती जैसे किसी का शुगर लेवल 200 से 300 के बीच में है तो उसमें इस तरह के लक्षण आते हैं। और अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ता है ऊपर की तरफ तो उसको और भी लक्षण आते हैं, उसमें कमजोरी है, चक्कर का आना, और रात में बार बार नींद खुलना पेशाब जाने के लिए, तो रात में जो नींद का डिस्टर्बेंस होता है वो भी बहुत कॉमन हो जाता है। भूख बहुत लगना, क्योंकि जो जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसमें शरीर के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तो बहुत बढ़ा रहता है, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। शरीर को हमेशा ये लगता है कि वो भूखा है, तो वो उसको बार बार खाना चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद वो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है, मतलब क्यों नहीं कर पाता, उसको कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसका कारण ये है कि एक तो जैसे देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मींस जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती है उसके अंदर जब ग्लूकोज जाता है उसका इस्तेमाल ग्लूकोज वो बॉडी करती है। होता क्या है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि इंसुलिन जिनके थ्रू ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजती है, तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो होता क्या है कि वो रिसेप्टर भी रेजिस्टेंट कभी कभी उनका होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जाता, कभी कभी इंसुलिन की मात्रा भी शरीर में कम बन रही होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता। अच्छा। और जब सेल के अंदर नहीं जाता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, और माइंड को ये लगता रहता है, जो माइंड की सेल्स होती हैं उनको ये लगता रहता है ग्लूकोज हम नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से भूख भी बहुत ज्यादा लगती है ऐसे मरीजों। ओवर थिंकिंग को मतलब इससे कैसे बचे, मतलब इसका क्या कुछ एग्जांपल के थ्रू कुछ बताइए, मतलब क्या करें स्पेशली इसके लिए?
ओवर थिंकिंग मीन्स एक ऐसी चीज है जिससे जो कि ऐसा नहीं है कि किसी को एकदम से हो जाती है। ओवर थिंकिंग एक धीरे धीरे प्रोसेस है जो कि बचपन से ही बच्चा बड़ा होता है तो वो एक प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है जो कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो बड़े होते हैं फिर उनका सोचने का तरीका उसी तरीके से हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज की डेट में, पेरेंट्स का बहुत सारा प्रेशर रहता है शुरू से ही, बच्चों को मीन्स कहा जाता है कि आप और अच्छा परफॉर्म करो और अच्छा परफॉर्म करो, तो बहुत सारा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, स्कूल से भी प्रेशर होता है, घरों में भी प्रेशर होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ही क्लास में फर्स्ट आए, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो कि बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कि हम अगर शुरू से ही चाहें तो बच्चे के सोचने का तरीका जो है उसको बदल सकते हैं, उस पर मीन्स पूरे तरीके से तो नहीं कम से कम, लेकिन वो हम उसको ऐसी कंडीशन में रख सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कोई है तो उसको कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे उससे कम से कम परेशान हुआ जाए, और तो इस तरह से हम अगर शुरू से ही ध्यान देंगे तो हम बचा सकते हैं अपनी सोसाइटी को इस जाल से एंजाइटी और डिप्रेशन की। एक और हम अल्कोहल से कनेक्ट पूछेंगे कि मतलब बहुत टेंशन है और उस लोग सलाह देते हैं कि चलो आज एक पैक लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और माइंड रिलैक्स हो जाएगा, सच में जब सुबह उठते हैं तो लगता है हाँ यार बहुत अच्छा है, मतलब ये कैसे हुआ? देखिए अल्कोहल क्या काम करती है, अल्कोहल ये काम करती है आपके जो सोचने का एरिया है उसको लिमिटेड कर देती है। माइंड बहुत सारी जगहों पे नहीं जाता है आपका, जब माइंड बहुत सारी जगहों पे नहीं जाता है तो आदमी सोचता है कि वो रिलैक्स हो गया है, बट जो प्रॉब्लम है वो आपकी वहीं की वहीं रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि आपने अल्कोहल ले लिया आपका माइंड कई तरफ नहीं जा रहा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम अगले दिन आपको फिर से मिलने वाली है, तो वैसी की वैसी मिलने वाली है जैसा जब आप ड्रिंक करने जा रहे थे उसके पहले थी। तो बस यही है कि और दूसरी चीज होती है कि वो माइंड को डिप्रेस कर देती है, तो आदमी को नींद आ जाती है, जो कि एंग्जियस था हो सकता है उसके अगले दो दिन उसको नींद नहीं आ रही हो तो उसको लगता है कि उसको अल्कोहल की वजह से नींद आ गई, बट ऐसा नहीं है, वो अल्कोहल लेने की वजह से माइंड का एक लेवल है जो कि अलर्ट रहना चाहिए हमेशा, वो अलर्ट ना हो के ड्राउजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है और वो नींद आ जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रही, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रही, अगले दिन फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपको अल्कोहल का सहारा लेना होगा और ये एक साइकिल बनती जाती है और फिर आदमी एडिक्टेड हो जाता है अल्कोहल से, तो इससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। अल्कोहल का इफेक्ट जो मीन्स डायरेक्ट अगर तुरंत देखा जाए तो स्टमक पे इफेक्ट पड़ता है जो कि गैस्ट्राइटिस के फॉर्म में हो सकता है, एसिड ज़्यादा बने, बार बार गले में खट्टा पानी आना, रिगर्जिटेशन जिसको बोलते हैं एसिड का, वो हो सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन में या जो लीवर होता है, लीवर पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि लीवर को ही इसको मेटाबोलाइज करना पड़ता है, तो लीवर पे असर पड़ता है जिसकी वजह से सिरोसिस होती है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है, और बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है किसी की वजह से उनकी डेथ भी होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि रिवर्स एज के बारे में, जी ये मतलब ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट? आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अच्छा। एजिंग जो मीन्स जो हमारी एज बढ़ती है उसके साथ साथ जो हमारे सेल्स होते हैं वो उनकी भी एज बढ़ने लगती है, वो श्रंकिन हो जाते हैं, उनकी जो मीन्स एक फ्रेशनेस होती है सेल्स की वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये बहुत पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम मीन्स इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, तो रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं, एजिंग जो फास्ट एजिंग होती है उसको कैसे डिले कर सकते हैं, खासकर बहुत सारी बीमारियां ऐसे एज रिलेटेड जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं जिसमें डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज वगैरह आती हैं, तो इसमें यही देखा जाता है कि ब्रेन के सेल्स जल्दी श्रंकेन हो जाते हैं, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन थेरेपी वो रेगुलर लेते रहिए आप, या एंटीऑक्सीडेंट का रेगुलर यूज़ करिए तो इससे आपकी एजिंग कम हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों का कोई प्रूवन रोल नहीं है, मीन्स कोई रिसर्च में कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई अभी ऑथेंटिक ये रोल आया है कि हाँ आपको ऐसा करने से एजिंग कम हो सकती है। हाँ, लेकिन ये है कि आप जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से रख के और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप रह रहे हैं तो हो सकता है आपको
ब्रेन में डिमेंशिया या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो और आप उससे थोड़ा बच सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि नींबू पानी पीजिए, आपका उससे फैट भी कम हो जाएगा और बाकी जो नींबू विटामिन सी मिलता है वो भी भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। ये मतलब इनका दोनों का कम्बिनेशन मतलब कैसे है, क्या ये सही बात है? ये नहीं, जहाँ तक विटामिन सी की बात है तो नींबू में काफ़ी मात्रा में होती है विटामिन सी, उसका फ़ायदा तो मिलता है बॉडी को। लेकिन नींबू पानी जब आप यूज करते हो या कोई भी जिनका वजन ज़्यादा है यूज करता है, सुबह भी लेता है शाम भी लेता है, और इसका मतलब है कि वो अपने फैट को लेके अपने बॉडी वेट को लेके अलर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि वो नींबू पानी से ही उसका वजन, अगर वो अलर्ट है तो वो अपने खाने पीने पे भी ध्यान देता है, दिन भर वो जो भी चीज़ें आती हैं फैट जिसमें ज़्यादा है उसको अवॉइड करता है, जो बाहर की चीज़ें हैं जो जंक फूड्स हैं उनको अवॉइड करता है, वो एक्सरसाइज भी रेगुलर करता है। तो अगर आप इन सब का क्रेडिट नींबू पानी को देना चाहते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है।